आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत अभिवादन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और जम्मू संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने बहुत ही सत्य निष्ठा के साथ मतदान प्रक्रिया में भाग लिया, परंतु दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का निर्वाचन आयोग क्या अपना संवैधानिक फर्ज जम्मू क्षेत्र में निभा पाया? इन्हीं बातों पर मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष रखूंगी और आपको वास्तु स्थिति से अवगत कराऊंगी। बीजेपी के महान नेतागण श्री जुगल किशोर, डॉक्टर निर्मल सिंह, मिसेस ममता सिंह, श्री कविंदर गुप्ता, ये सभी प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, गारंटर्स बने हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। इस कंपनी का हेड ऑफिस नरवाल जम्मू में है, इसका साइट ऑफिस सरोल चंबा में है। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने 3 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इनको अलॉट किया एट साहू चंबा। द कंपनी इस कंपनी ने अप्रोच किया जेके बैंक के ब्रांच लिंक रोड को, क्योंकि इनको कुछ पैसा चाहिए था। इनका सारा लोन सैंक्शन हुआ 2012, 15 और 16 में 3 टर्म लोन जो है डिसबर्स किया गया। परंतु सबसे विडंबना की बात यह है कि ये कंपनी अपना प्लांट जो है पावर प्रोजेक्ट ये पूरा नहीं कर पाई, समय सारणी का ये पालन नहीं कर पाई। डिस्पाइट ऑफ वन टाइम अमेंस्टी इनको रिलैक्सेशन दिया गया, फिर भी ये 31 मई 2022 तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाई। मेनी आरटीआईज वर फाइल, ये जितनी भी डिटेल्स मैंने आज आपको दी हैं, ये सारी विभिन्न आरटीआईज के थ्रू जो है फाइल की गई है और ये सारी इंफॉर्मेशन ली गई है थ्रू वेरियस आरटीआईज। इन आरटीआईज का श्रेय जाता है एक बहुत ही विशिष्ट और वरिष्ठ वकील को, मिस्टर शेख शकील अहमद। 9 जून 2022, 8 अगस्त 2022, 18 अक्टूबर 2022, इन सभी इन डेट्स पे आरटीआईज फाइल हुई। इन सभी आरटीआईज के जो रिप्लाई हैं, ये आए 27 जून 1 जुलाई और 21 नवंबर को। ये आरटीआई फाइल की गई हिम ऊर्जा में, हिमाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। कंपनी अपना प्रोजेक्ट सेटअप नहीं कर पाया और इस कंपनी का जो अकाउंट था वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए जो है ये डिक्लेयर किया गया। करोड़ों रुपए जो है साइफन ऑफ किए गए, करोड़ों रुपए जो है मिस अप्रोप्रिएट किए गए और आज तक जेके बैंक ने कोई भी कार्रवाई नहीं की कि आफ्टरऑल 30-31 करोड़ का ये अमाउंट जो है आफ्टरऑल कहां गया। जेके बैंक ऑफिशियल्स अब्यूज्ड देयर पोजीशंस एंड डिड नॉट टेक एनी एक्शन। अब वन टाइम सेटलमेंट की कोशिश की जा रही है और सुनने में आया है कि ये वन टाइम सेटलमेंट जो है तकरीबन 15 करोड़ की है। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी आश्चर्य और झिझक नहीं हो रही है कि 27 सितंबर 2022 को सीबीआई ने एक कंप्लेंट फाइल की गई सीबीआई डायरेक्टर दिल्ली में। दूसरा महत्वपूर्ण जिसके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से रखी गई है, जम्मू संसदीय क्षेत्र में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक अवस्था है। क्या है ये प्रभाव? पहला, 4 अप्रैल 2024 को कंप्लेनेंट श्री शेख शकील अहमद जी ने रिटर्निंग ऑफिसर पान जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक कंप्लेंट लिखी। दिस कंप्लेंट वाज रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसीज, वेरिएशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन और कुछ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है जुगल किशोर जी के नॉमिनेशन फॉर्म 30 मार्च 2024 के नॉमिनेशन फॉर्म में पाई गई। श्री जुगल किशोर जी ने जो अपना नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किया तो उसी के ऊपर एक कंप्लेंट जो है एडवोकेट शेख शकील अहमद ने दायर की। इन रिटर्निंग ऑफिसर जी को कहा गया था कि आप डिस्क्रिपेंसीज को वेरीफाई करें और जल्द से जल्द एक्शन, परंतु कुछ भी नहीं किया गया। कौन सी डिस्क्रिपेंसी थी? मैं आपके सामने 2 फॉर्म्स पेश कर दू। ये जुगल किशोर जी का 2024 का नॉमिनेशन फॉर्म है और ये जुगल किशोर जी का 2019 का नॉमिनेशन फॉर्म है। इस फॉर्म को बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ा गया है। 30 मार्च 2024 का जो फॉर्म है
इसका पेज नंबर 20 कॉलम नंबर 9 बहुत ही गंभीर जो है इंफॉर्मेशन देता है। जुगल किशोर जी इसमें लिखते हैं लाइबिलिटीज में लोन्स फ्रॉम बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर्स। इस कॉलम में ये मेंशन करते हैं कि कितना पैसा जो है इस हिमगिरी कंपनी ने जो है उठाया। ये लिखते हैं कि 20,42,956.81 रुपीज जो है इनकी लाइबिलिटी है लोन फ्रॉम दी बैंक। इसी तरह से इनकी वाइफ और इनकी डॉटर का भी स्टेटमेंट दिया गया है। अब आते हैं फॉर्म नंबर 23 मार्च 2019 का फॉर्म। अगर हम 23 मार्च 2019 का फॉर्म देखें इसका पेज नंबर 22 कॉलम नंबर 9 इसमें भी लाइबिलिटीज का एक सेक्शन। इस लाइबिलिटीज में जुगल किशोर जी मेंशन करते हैं दैट द टोटल लाइबिलिटी इज 34 करोड़ 52 रुपीज। माननीय रिटर्निंग ऑफिसर से कहा गया था कि इस वेरिएशन कंसीलमेंट पे आप गौर फरमाएं कि 2019 में ये 34 करोड़ था और 2024 में ये लाइबिलिटी 20 लाख हो गई। जुगल किशोर जी ने अगर अपनी लाइबिलिटी लिक्विडेट कर दी थी तो ये लोगों को बताएं आप लोगों के माध्यम से इन्होंने क्यों नहीं अपने नॉमिनेशन फॉर्म में स्पेसिफाई किया कि ये लाइबिलिटी इन्होंने कैसे लिक्विडेट करी। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। शेख शकील अहमद जी ने अपनी पहली कंप्लेन में बहुत ही सशक्त तरीके से लिखा